खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा में प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड ने मतदान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि वोट करें वफादारी से और चयन करें समझदारी से। कार्यक्रम में उपस्थित रंजीत कुमार झा, नवनीत सिंह आदि वक्ताओं ने मतदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि लगभग 40% मतदाता मतदान नहीं करते, जो लोकतंत्र के लिए घातक हैं। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि 100 में 100% मतदान करने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिल पाएगी। आज मतदाता संवाद कार्यक्रम रखा गया है। मतदाता संवाद कार्यक्रम का एक ही वो मकसद है कि समाज के अंदर में, मतदाताओं के अंदर में जन जागरूकता अभियान फैलाना है कि आपका एक वोट कितना माने रखता है। एक वोट देने से आप सरकार बना सकते हैं, एक वोट देने से आप सरकार गिरा सकते हो। इसलिए वोट की प्रतिशत विगत दिनों में जो गिरावट आई है, उस वोट की प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता संवाद कार्यक्रम रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? सुशीला भवन दरभंगा में रखा गया है। मैं समाज के तमाम वर्ग से, विशेष तौर से युवा वर्ग से आग्रह करना चाहते हैं कि वो आज विगत दिनों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अभी मतदान का जो रेशियो है सिर्फ 60% हो रहा है और हम ये चाह रहे हैं और हमारी इलेक्शन कमीशन, हमारी सरकार ये चाह रही है कि 100 में 100 मतदान हो। जब तक आप मतदान नहीं करेंगे, एक स्वच्छ और सशक्तिकरण सरकार का गठन नहीं होगा। इसलिए मतदान आज लोकतंत्र का मजबूत हथियार है और मत हमको हर कीमत पर देना है। मत देंगे आपका भविष्य बदलेगा, मत दीजिएगा समाज बदलेगा, देश बदलेगा। इसलिए मतदान अधिक हो, इस उद्देश्य के लिए आज मतदाता संवाद कार्यक्रम का आज युवा जदयू के तरफ से सुशीला युवा भवन में कार्यकर्ता से लेकर के और समाज के हर वर्ग के हर तबके के लोगों को जागरूक किया गया कि अपने वोट का, मताधिकार का कैसे प्रयोग करें और इसका क्या महत्व है। इसी के लिए आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया कि हर जनता को जागरूक करना है कि अपना वोट का अधिकार समझे। इसीलिए आज सुशीला विवाह भवन में कुछ समाज के कुछ वर्ग के लोग यहाँ आए हुए थे, बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे और उनको हम लोग कन्विंस किए कि एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार बिगड़ती है। सो अपने वोट के मताधिकार का उपयोग करें। जो वोट का संख्या है, हम लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, सही समय पर आते नहीं हैं, खास करके युवा वर्ग वोट करने से कतराते रहते हैं। सारे युवा वर्ग और सारे बुद्धिजीवी लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रचार प्रसार करें। अब इलेक्शन आने वाला है, इसके तहत हम लोग इस अभियान को शुरुआत किए हैं कि हर घर जा करके हर समाज के हर वर्ग को लोग कहेंगे अपना वोट का अधिकार समझे और अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें।